हेलो रियो, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। तो RRB PO प्रीलिम्स डे वन दैट मीन्स 3rd of August के चारों शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों में से भी किसी का पेपर आज हुआ है किसी भी शिफ्ट में, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री या शिफ्ट फोर में, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना कैसा गया आपका पेपर और किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था और नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपके कितने रहे शिफ्ट वाइज, ठीक है। साथ साथ आप सभी के लिए मैंने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम पे एक पोल अरेंज करा था जिसमें शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री और शिफ्ट फोर के पोल आपके साथ शेयर किया था कि आपका स्कोर आपने कितना अटेम्प्ट किया वो आपको बताना था। जो टारगेट सेट किया गया था पोल का वो था 45 टू 50 का रेंज, 50 टू 55 का रेंज, 55 टू 60 का रेंज और 60 प्लस का रेंज, और एक आपका ऑप्शन था पोल चेक। दैट मीन्स अगर आपका उस शिफ्ट में आपका पेपर नहीं था और आपको सिर्फ ये चेक करना था कि पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने बच्चे किस रेंज में जा रहे हैं, तो आप पोल चेक को ऑप्शन टिक कर रहे थे। तो अभी उन चारों शिफ्ट्स के पोल का रिजल्ट अपने पास अवेलेबल हो चुका है, तो एक एक करके सारी पोल्स में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन सा शिफ्ट कितना डिफिकल्ट आया था, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट क्या था, उससे ईजी क्या था, दैट मीन्स हायरार्की ऑफ शिफ्ट्स क्या थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इस सेशन में बता रहूँगा। तो मेक श्योर आप अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एंड तक वीडियो को देखना ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। और जिनका भी पेपर कल है ऑल द बेस्ट आप सभी को। साथ साथ जो भी स्टूडेंट RRB क्लर्क, आपको पता है कि RRB क्लर्क की भी तैयारी मतलब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, एंड IBPS PO, IBPS क्लर्क आपके पास अपकमिंग एग्जाम्स है जिनके IBPS क्लर्क का तो फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है और IBPS PO का आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है जिसमें 4455 वैकेंसीज टोटल है, मतलब 4455 वैकेंसीज आपके इस बार अवेलेबल है अभी, जबकि कुछ बैंक्स ने NR रिपोर्ट किया। तो अगर आप भी अपकमिंग एग्जाम IBPS PO, IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बुक सजेस्ट करूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक है जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश सेक्शन का आपको बुक मिल जाएगा, इंडिविजुअल बुक्स मिल जाएंगे जिसमें PYQs के फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जितने भी PYQs पूछे गए पिछले आपके 5-7 साल से ऊपर के जितने एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट पिछले 5-7 साल का ही होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। साथ साथ जितने भी PYQs के फॉर्मेट है उस पर आपको न्यूली क्वेश्चन फ्रेम करके दिए हुए हैं जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो पाए, आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ और जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आपको ऐसा ना लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में किरण पब्लिकेशन की क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश की बुक का लिंक दे रहा हूँ, आप सभी जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको उनके कंटेंट्स, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने सेशन पे। तो सबसे पहला शिफ्ट आज का जो आपको देखने को मिला था दैट इज फर्स्ट शिफ्ट 3rd of August का, जहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जो 45 to 50 के बीच में रेंज का अटेम्प्ट है वो 25% बच्चों का है, 50 to 55 का 10% का है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी ऐड ऑन कर दूंगा, 55 टू 60 में जो 8% बच्चे आ रहे हैं और 60 प्लस में 6% बच्चों ने अटेम्प्ट किए। और अभी मैं आपको हायरार्की बताऊं, इससे पहले आपको सेकंड शिफ्ट का बता देता हूं। फर्स्ट शिफ्ट में कंपैरेटिवली देखा गया था कि रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों ही ना बैलेंस्ड आउट थे और दोनों ईजी, मतलब 50-60% ईजी पार्ट में था और 40% आप मॉडरेट लेके जा सकते हो, मतलब ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट था, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट आता है आपका जो कि जिसमें आप अगर 45 टू 50 का रेंज चेक करोगे 33% बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, 50 टू 55 9% बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 55 टू 60 5% और 60 प्लस में 3% बच्चों ने अटेम्प्ट किया सिर्फ। यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने को मिला कि क्वांट का सेक्शन कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टफेस्ट शिफ्ट था बट मॉडरेटेड शिफ्ट था सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट को क्वांटिटी एप्टीट्यूड को ईजी मान रहा हूँ तो सेकेंड शिफ्ट आपका मॉडरेट था, ठीक है। बात कर लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के बारे में जहाँ पे आपका 45 टू 50 का जो आपके परसेंटेज थे दैट इज 27%, 50 टू 55 में 19%, 55 टू 60 में 8%, 60 प्लस में 8% बच्चे थे। और इस शिफ्ट को अभी तक का मेरे को फोर्थ शिफ्ट का एग्जैक्ट एनालिसिस ये नहीं मिल पाया कि कितना कितना क्वेश्चन था, तो मैं फोर्थ शिफ्ट अभी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनका भी फोर्थ शिफ्ट में पेपर था एक बार कॉमेंट सेक्शन करके जरूर बताना कॉमेंट में कि क्या आपको क्या लगता है कि आपके लेवल क्या थे पेपर के, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के तो ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन मिले हैं जिसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा शिफ्ट क्या था। थर्ड शिफ्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चे अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज बनाने में मिसिंग नंबर सीरीज था, स्टिल इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट दीज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन क्योंकि आपको पता है टाइम का भी प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जनरली जो बच्चों का अटेम्प्ट रहा है ना वो 16-17-18 के बीच में रहा है, ठीक है। फिर है फोर्थ शिफ्ट में 45 टू 50 में 28% बच्चे आए, 50 टू 55 में 20% बच्चे हैं, 55 टू 60 में आपके 6% बच्चे हैं और 60% में आपके 4% बच्चे हैं। तो इन जनरल अगर आपका रेंज देखा जाए
तो अभी तक मैं फर्स्ट शिफ्ट का रेंज अगर आप देखोगे तो 55 टू 56 57 के रेंज का ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 55 टू 57 का रेंज आप पकड़ सकते हो। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करोगे तो 52 टू 55 का रेंज गया। थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, 47 टू 52 के रेंज का देख रहे हैं अभी तक। होंगे ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चों ने इसी रेंज में किया, कुछ बच्चे 60 प्लस गए भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 40-45 के बीच में भी हुए होंगे, ठीक है। और फिफ्थ शिफ्ट का जो आपको दिख रहा है वो 52 टू 55 के रेंज का दिख रहा है। तो आज के शिफ्ट को अगर एनालाइज किया जो है और इस चार शिफ्ट को देख के अगर आपका सेफ अटेम्प्ट किया, आप पूछोगे कि सर कितना है भैया, कितना स्कोर होना चाहिए सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि वी आर गिविंग मेंस एग्जामिनेशन, तो जो एवरेज आपका रेंज बन रहा है दैट इज 48 टू 52 का रेंज अभी दिख रहा है, ठीक है। कुछ स्टेट्स शायद से 47-46 के रेंज में भी जाएंगे, बट 48 छोड़ दो, 47 टू 51 ले लो, 47 टू 51 का रेंज आज के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अभी चार शिफ्ट और बचे हुए हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। जब सारे शिफ्ट कंप्लीट हो पाएंगे एक हायरार्की पता चलेगी कि कौन सा शिफ्ट कितना डिफिकल्ट था, इजी था, उसी टाइम पे कैलकुलेट हो पाता है, बट वो भी कैलकुलेट नहीं होता, वो एक एस्टिमेटेड आपके पास डेटा आता है जो कि आपके पोल्स के थ्रू मिल पाता है। बट एज ऑफ नो आज के लिए जो आपका 47, अगर आपने 47 टू 51 इफ यू आर गेटिंग दीज मार्क्स विद योर एक्यूरेसी, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपने 60 अटेम्प्ट किए और स्टिल यू आर गेटिंग 40 टू 40 नंबर्स, देन इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू गेट थ्रू द मेन्स एग्जामिनेशन, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मान लो आप 70, बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में, दे आर अटेम्प्टिंग 70 क्वेश्चंस एंड स्टिल दे आर गेटिंग इन 30 एंड 40, बिटवीन 30 टू 40 मार्क्स, तो इट इज़ नॉट ईजी टू से कि भैया उनका क्या है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। अगर आपकी एक्यूरेसी 97-98 इस परसेंटेज पे, मतलब गलती से आपका एक दो मिस्टेक हुआ, मैं उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, इफ़ यू आर गेटिंग बिटवीन 47 टू 51 देन इट इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। एंड क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कंप्लीट होगा आरआरबी क्लर्क स्टार्ट, आरआरबी कंप्लीट हुआ आईपीएस क्लर्क स्टार्ट, और फिर मिलेगा एक महीने आपको मेंस के लिए, 6 महीने का करंट अफेयर्स उतने में निकल जाएगा, ठीक है। तो कल के शिफ्ट के साथ मिलते हैं, साथ साथ कल आपको मिल जाएगा सुबह 10:30-11 बजे तक सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस आरआरबी पीओ का। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो मैं आपके साथ वो चीज़ें अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसा लगा वीडियो, किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल करके कितना अटेम्प्ट किया शिफ्ट वाइज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिशा पब्लिकेशन की बुक का लिंक है, आप जाके जरूर परचेस कर लेना आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन कर रहा होगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।